तो गाइज वेलकम है आपका टेक्निकल सोहेल चैनल में। तो सबसे पहले गाइज आप अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो उस पर ज्वाइन कर देना और कमेंट में भी मैं लिंक दूंगा तो टेलीग्राम ज्वाइन कर देना क्योंकि सबसे पहले उस पर ही लूट ऑफर्स आते रहते हैं। तो गाइज सबसे पहले आपको किस तरह से बनाना है अपहोल्ड अकाउंट वो सब कुछ मैं आपको स्टेप बाई स्टेप यहाँ पर सिखाऊंगा। मैंने ऑलरेडी अपहोल्ड अकाउंट बना चुका हूँ तो अब मैं आपको स्क्रीन शॉट से सिखाऊंगा किस तरह से आपको सारे डिटेल्स फिलअप कर देने हैं। तो सिंपली गाइज आपको सबसे पहले अपहोल्ड.com पे जाने के बाद आपको मेनू पे क्लिक करने के बाद साइन अप पे आना है। तो साइन अप पे आने के बाद गाइज आपको सिंपली इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो इसी तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। तो गाइज आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली ईमेल पासवर्ड इंडिविजुअल पे रखना है और यहाँ पर इंडिया कंट्री रखना है। तो इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा, लेकिन ये जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ये आपको सारा कुछ ठीक बताना है, मतलब कुछ गलत नहीं देना है इधर उधर का, क्योंकि आपको आधार वेरिफिकेशन या कोई भी वेरिफिकेशन यहाँ पर बाद में देना होगा। तो सिंपली गाइज ये फिलअप करने के बाद आपको तीसरे स्टेप पे आना होगा और यहाँ पर बताएगा कि आपको कॉन्फ़िगर करना होगा। तो आपको क्या करना होगा, ये इजी स्टेप है लेकिन आपको समझना होगा, आपको कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना होगा। कॉन्फ़िगर पे क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको एक कोड दिखेगा, एक की दिखेगी, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये की और बार कोड दिखेगा। तो सिंपली गाइज आपको क्या करना है वो मैं बता दूंगा। एक तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीनशॉट इसलिए आपको लाना है क्योंकि बाद में ये आपको कभी भी मतलब ज़रूरत पड़ेगा। और एक की भी आप सेव कर लेना। तो सिंपली गाइज इस की को आप कॉपी कर लेना और कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी जिसका नाम है ऑथी। तो ऑथी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन डाउनलोड करने के बाद गाइज सिंपली आपको एप्लीकेशन में जाना है। तो एप्लीकेशन में जाने के बाद गाइज यहाँ पर आपको कुछ मांगेगा, मतलब नंबर देना होगा। तो वो वेरीफाई करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा दूंगा। तो ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एंटर मेन वाली की पे क्लिक करने के बाद अपना आपको आपकी जो की है वो आपको पेस्ट करना है, क्योंकि मैंने उसका अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पर जनरेट किया है। तो सिंपली मुझे अकाउंट यहाँ पर बन चुका है। तो कुछ अकाउंट का नाम मांगेगा वो भी दे देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपहोल्ड मैंने इसको नाम दिया है। तो इसके बाद गाइस सिंपली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक कोड जनरेट होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कोड बदलता रहता है, ये वेरिफिकेशन के लिए होता है। तो इस कोड को आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद गाइस सिंपली आपको आना है फिर से अपनी जो जहाँ पर आप ब्राउज़र में हैं, जहाँ पर आप अपहोल्ड अकाउंट बना रहे हैं, तो उस पर क्लिक करने के बाद गाइस सिंपली आपको क्या करना है, या आप अपहोल्ड एप्लीकेशन भी हैं तो उसमें भी आप अकाउंट बना सकते हैं। अपहोल्ड.com एंड्रॉयड एप्लीकेशन है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करें अपहोल्ड की और वहाँ पर अकाउंट बना लीजिए। तो मैं आपको उसका भी इंटरफेस दिखा दूँगा अपहोल्ड एप्लीकेशन का। तो ये है अपहोल्ड एप्लीकेशन, काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है। तो साइन अप पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप सारा कुछ दे देना। तो सिंपली गाइज मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ पर। तो इसके बाद क्या करना है, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो ऑथी एप्लीकेशन में कोड आया है वो आपको कॉपी करने के बाद इसमें डाल देना है। तो आपका जो यहाँ पर जो कोड वेरिफिकेशन है वो आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी कोड वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुल हो चुकी थी। तो इसके बाद गाइज आपको एक और बताएगा कि आपको क्या करना है, आपको कन्फर्म योर अकाउंट करना है, मतलब जिस भी ईमेल से आपने अपहोल्ड अकाउंट बनाया है अब आपको उस जीमेल में जाना है और अकाउंट पर क्या करना है, सिंपली वो ईमेल करनी है, मतलब सेलेक्ट करनी है। और इसके बाद यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद गाइज सिंपली आपको जो है आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। अब आपको मेन स्टेप करना है। मेन स्टेप क्या करना है, आपको जाना है फिर आपको एक बार जाना है अपहोल्ड अकाउंट में। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, पहले थोड़ा सा टाइम लेता है अपहोल्ड अकाउंट होने में। तो यहाँ पर मैं सेटिंग पे क्लिक करने के बाद प्रोफाइल पर आपको क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो है वो वेरीफाई हो चुका है, लेकिन आपको वेरीफाई करना है, मतलब आपको आधार कार्ड देना होगा। तो क्या करना है, आपको वहाँ पर तीन ऑप्शन दिखाई देंगे होंगे, मतलब आपको आईडी कार्ड सेलेक्ट करना होगा तो आप आधार दे सकते हैं, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट करते हैं तो आपको लाइसेंस देनी होगी, या आप तीसरा भी कोई पासपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है तो वो भी आप दे सकते हैं। तो वो भी देने के बाद गाइज आपको एक सेल्फी उठानी है, अपना एक फ़ोटो उठा लेना है, या आपको
ब्राउज़र में मतलब सॉरी गैलरी में कोई सा भी फ़ोटो सेलेक्ट करना है जो आपका है, वो आपको अपलोड करना है। तो अपलोड करने के बाद गाइज आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा एक या दो दिन के अंदर, क्योंकि ये सबसे पहले आपका जो अकाउंट है वो रिव्यू करेंगे और रिव्यू करने के बाद आपका अकाउंट वेरीफाई करेंगे। तो गाइज इस तरह से आपका अकाउंट जो है बन जाएगा, दो दिन तक वेरीफाई हो सकता है। तो गाइज ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी करना। और गाइज एक बात मैं बता दूँ आपको, आप डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, उस पर ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि यार मतलब उसी पे सारा कुछ आ जाएगा आज से। तो गाइज़ आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपके साथ अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।